हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नामदेव एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 सितंबर से लेके और 9 सितंबर की जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में यहाँ बात की जाएगी। तो देखिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर्स के वही क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं 1 सितंबर से लेके 9 सितंबर के। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया गया है वो लिया गया है कि हाल ही में भारतीय और बांग्लादेशी सीमा सुरक्षा बल है इनके बीच में द्वैवार्षिकीय वार्ता हुई है, तो ये कहाँ पे शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है नई दिल्ली में। अब देखिए यहाँ एक नाम यूज हुआ है बांग्लादेश, कि भाई बांग्लादेश और भारतीय जो सीमा सुरक्षा बल है उनके बीच में ये वार्ता हुई है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए बांग्लादेश के बारे में सब कुछ। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, और इसकी मुद्रा है टका, और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो है शेख हसीना। अब यहाँ हमें यह भी पता होना चाहिए कि भाई बांग्लादेश की सुरक्षा सीमा बल, तो सुरक्षा सीमा बल की बात करें तो सुरक्षा सीमा बल किसे, जो BSF है इसी की फुल फॉर्म है सुरक्षा सीमा बल। तो यहाँ BSF की यहाँ बात करें तो इसके महानिदेशक कौन है? तो इसके जो महानिदेशक हैं वो है KK शर्मा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है कि हाल ही में रक्सौल और काठमांडू के बीच में जो रेलवे लाइन है इसका प्रारंभिक सर्वेक्षण हुआ है, तो जो भी प्रारंभिक सर्वेक्षण हुआ है इस पर भारत और कौन सा देश है जिसके बीच में ये समझौता हुआ है? तो ये हुआ है भारत और नेपाल के बीच में। अब यहाँ नेपाल की हम बात कर लेते हैं, तो नेपाल की हमें कैपिटल पता होनी चाहिए जो कि है काठमांडू, और नेपाल की मुद्रा पता होनी चाहिए जो कि है नेपाली रुपया। अब हम बात करते हैं नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है, तो नेपाल के प्रेसिडेंट की हम बात करें तो विद्या देवी भंडारी हैं, वो नेपाल की क्या है? प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है ये तीन देशों के 8 दिवसीय दौरे पे गई हैं। कितने कंट्रीज के? 3 कंट्रीज के 8 दिवसीय ये दौरे पे गए हैं। तो उन कंट्रीज का हमें नाम बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज में ये गए हैं। तो देखो साइप्रस में भी गए हैं, बुल्गारिया में भी गए हैं, चेक गणराज्य में भी गए हैं, तो इन 3 देश के दौरे पे हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी इन तीनों में। अब हमें पता होना चाहिए कि जो ये साइप्रस है इसकी कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? तो साइप्रस की बात करें तो इसकी राजधानी है निकोसिया और इसकी मुद्रा है यूरो। अब हम बात कर लेते हैं बुल्गारिया की, तो बुल्गारिया की बात करें तो इसकी राजधानी है सोफिया और इसकी मुद्रा है बल्गेरियाई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेक गणराज्य की, तो इसकी राजधानी है प्राग और इसकी मुद्रा है चेक कोरोना। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, ये 3 देशों के 8 दिवसीय दौरे पे गए, तो उस दौरान इन्होंने कितने समझौतों पर साइन किया? तो इन्होंने समझौते किए 5 समझौते। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में WPP है इसके CEO किसे चुना गया है? तो देखो WPP की यहाँ बात हुई है तो इसके CEO के रूप में नियुक्त किया गया है मार्क रीड को। किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रीड को। तो ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब हमें यह पता होना चाहिए कि जो ये मार्क रीड है ये किसका स्थान लेंगे, यानी कि इनसे पहले जो मार्क रीड है इससे पहले WPP है इसके CEO कौन थे? तो ये थे मार्टिन सोरेल, ठीक है, और ये मार्टिन सोरेल का स्थान लेंगे अब, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो एक इसमें ये पता होना चाहिए कि ये WPP है ये है क्या? तो WPP की हम बात करें तो WPP के जो फुल फॉर्म है वो है संचार सेवा समूह है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि हाल ही में 6th पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन और जो 15th भारत एशियाई आर्थिक जो मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है? फिर से देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि 6th पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन और 15th भारत एशियान आर्थिक मंत्रियों की जो बैठक हुई है कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है सिंगापुर में हुई है। तो अब हमें पता होनी चाहिए सिंगापुर के बारे में सारे फैक्ट पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सिंगापुर है इसकी राजधानी क्या है। तो सिंगापुर की बात करें तो इसकी कैपिटल है सिंगापुर और इसकी करेंसी है डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया कि हाल ही में जो ये एशियाई खेल हुए हैं इसमें सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में
एक ही रिकोको का नाम नामित किया है, इनको घोषित किया गया है सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में। तो हमें यही बताना है कि जो ये एक ही रिकाको है, इनका संबंध है वो किस खेल से है। तो देखिए बात करते हैं एक ही रिकाको की, तो ये एक स्विमर है, तैराकी से इनका संबंध है। और ये कहाँ की है, तो ये है जापान की खिलाड़ी है। कहाँ की, जापान की। तो जापान के बारे में हमें सब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जापान की कैपिटल की। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, और करेंसी क्या है जापान की, करेंसी है एन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। देखो एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो ये एक ही रिकाको है, इन्होंने एशियाई खेल है, इन्होंने इसमें 6 तो क्या जीते हैं, गोल्ड, और सिल्वर की हम बात करें तो 2 इन्होंने जीते सिल्वर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि एशियाई खेल 2018 हुए, इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो देखिए एशियाई खेल 2018 हुए, इसमें भारत ने कुल पदक जीते 69 पदक जीते। ठीक है, अब ये 69 पदक जो जीते, इसमें से गोल्ड तो कितने थे, सिल्वर कितने थे, और ब्रॉन्ज कितने थे, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड 15, और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर मेडल है 24, और अगर बात करें ब्रॉन्ज की तो ब्रॉन्ज है 30, और ये सारे मिला के कितने जीते भारत ने, 69। और ये 69 ये मेडल जीतकर भारत की जो पोजीशन रही है, भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है 8वां स्थान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि हाल ही में ये RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भीलवाड़ा बैंक है इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब हमें पता होना चाहिए रिजर्व बैंक है, इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसके वर्तमान में प्रेजेंट में जो गवर्नर है वो कौन है, तो देखो रिजर्व बैंक के जो वर्तमान में जो गवर्नर है वो है उर्जित पटेल, और ये जो उर्जित पटेल है वो 24th नंबर के गवर्नर है। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी जो स्थापना है ये कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। और इसके टैगलाइन की बात करें तो इसके टैगलाइन है पैसे को पहचानो पैसा बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जो ये एशियाई खेल 2018 हुए हैं, इसमें भारतीय महिला हॉकी टीम में इसने कौन सा पदक जीता है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेल 2018 में सिल्वर मेडल जीता है, रजत। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं भारतीय महिला हॉकी टीम की, तो इसके कैप्टन कौन है, इसके कैप्टन है रानी रामपाल। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में 4th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है, ये कहाँ पे शुरू हुआ। तो यहाँ बात की गई है बिम्स्टेक की, यहाँ बात की गई है, तो देखिए बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक की बात की गई है, तो बिम्स्टेक का जो 4th शिखर सम्मेलन है ये शुरू किया गया कहाँ पे, काठमांडू में। अब यहाँ एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये बिम्स्टेक है इसमें कितनी मेंबर कंट्रीज, इसकी मेंबर कंट्रीज है वो कितनी है। तो गाइस इसके मेंबर कंट्रीज है 7 कंट्रीज है, और उन 7 कंट्रीज का नाम आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले उन 7 कंट्रीज का नाम बताऊं, उससे पहले तो आप बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है वो नोट डाउन कीजिएगा। देखिए इसकी बिम्स्टेक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म है, और इसके मेंबर कंट्रीज है 7। तो देखिए अब इसके जो 7 कंट्रीज के नाम फटाफट से याद करते हैं। देखिए 5 नाम तो इसके नाम में से ही याद कर लेंगे, बाकी बस 2 नाम याद करने पड़ेंगे। तो देखो बी से हम क्या बना सकते हैं, बी से बना सकते हैं बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, और एस से श्रीलंका, और टी से थाईलैंड। अब बाकी 2 नाम बच गए, वो कौन कौन से हैं, वो है नेपाल और भूटान। तो ये 7 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि ये बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि हाल ही में जो ये एशियाई खेल 2018 हुए हैं, इसमें अमित पंगाल है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, कौन सा पदक जीता है। तो देखो अमित पंगाल की यहाँ बात की जाए तो इन्होंने एशियाई खेल 2018 में गोल्ड मेडल जीता है, और जो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वो किसमें जीता है, तो इन्होंने जीता है बॉक्सिंग के अंदर
49 kg की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, हाल ही में जो ये एशियाई खेल 2018 हुए हैं, इसमें भारत का स्थान पूछा है कि भारत है वो कौन से स्थान पे रहा। तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि भारत 8th पोजीशन पे रहा, 8वें स्थान पे, और कितने मेडल के साथ, तो ये रहा 69 पदक के साथ। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पोजिशन पे कौन सा देश रहा। तो फर्स्ट पोजिशन की यहाँ बात की जाए तो फर्स्ट पोजीशन पे रहा चाइना, कौन सा रहा चाइना, और कितने मेडल के साथ, 289 मेडल के साथ। अगर बात करें सेकंड की तो सेकंड पे कौन सी कंट्री रही, तो सेकंड पे रहा जापान, कौन सा देश रहा जापान, कितने मेडल के साथ, 205 मेडल के साथ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया गया है यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हाल ही में गंगा नदी के लिए जहाज की जो डिजाइन है ये किसने जारी की है। तो देखिए, गंगा नदी के लिए जो जहाज की जो डिजाइन जारी की है वो की है AWAI ने। अब यहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि AWAI है ये है क्या। तो गाइस, AWAI की बात करें तो ये है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होती है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा है कि हाल ही में शिक्षा ऋण के लिए जो सब्सिडी पोर्टल है वो किस बैंक ने शुरू किया है। तो देखिए, शिक्षा ऋण के लिए जो सब्सिडी पोर्टल है ये शुरू किया है केनरा बैंक ने। किसने किया है, केनरा बैंक ने। अब यहाँ बात कर लेते हैं केनरा बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसकी जो टैगलाइन है वो है टुगेदर वी कैन, और इसके CEO कौन है इसके केनरा बैंक के, तो इसके CEO है राकेश शर्मा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि हाल ही में USIBC का जो पहला शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये हुआ मुंबई में। कहाँ पे हुआ, मुंबई में, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि कौन सा राज्य है जिसकी सरकार ने BPL परिवार की महिलाओं को मुफ्त मोबाइल देने का प्रावधान किया है, मुफ्त मोबाइल देने की ये योजना शुरू की है। तो ये जो शुरू की है ये योजना BPL परिवार की महिलाओं को मुफ्त मोबाइल प्रदान करने की, ये की है राजस्थान सरकार ने। तो क्या आंसर हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पता होना चाहिए राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, और राजस्थान की CM है, चीफ मिनिस्टर है, वो है वसुंधरा राजे सिंधिया, और गवर्नर की बात करें राज्यपाल की, तो राजस्थान के राज्यपाल है कल्याण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पे आयोजित हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन शिखर सम्मेलन है ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली में। अब यहाँ हम बात करते हैं इसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन शिखर सम्मेलन के बारे में। तो देखिए, केंद्रीय उड्डयन मंत्री जो कि हैं सुरेश प्रभु जी, इन्होंने घोषणा की है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो विजन है वो 2035 में ये आ रहा है। ये इन्होंने घोषणा की है, किसने, सुरेश प्रभु जी ने, जो कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली है। बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे लिया है, जिसको मैंने वन लाइनर की फॉर्म में ले लिया है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारत सार्वजनिक परिवहन के लिए जल्द ही कौन सी नीति लागू करेगा। तो ये करेगा वन नेशनल वन कार्ड नीति लागू करेगा। और ये किसने कहा है, तो ये कहा है नीति आयोग ने कहा है कि भाई ये नीति है लागू करेगा कौन, सार्वजनिक परिवहन के लिए जल्द ही भारत है ये नीति लागू करेगा। अब यहाँ हमें पता होना चाहिए नीति आयोग है, इससे रिलेटेड सब कुछ सारे फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीति आयोग की, तो इसकी फुल फॉर्म नोट डाउन कीजिए। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष है, और इसके CEO की बात करें तो अमिताभ कांत है, वो नीति आयोग के CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने नाटो राष्ट्रों के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। तो ये किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन ने क्या किया है,
कि जो नाटो राष्ट्र है इनके साथ में सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। तो यूक्रेन हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें पता होना चाहिए यूक्रेन के बारे में, तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है, तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, और करेंसी क्या है, तो करेंसी की बात करें तो यूक्रेनी रिबिनिया इसकी करेंसी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि हाल ही में आर माधवन है इनको किस कंपनी का नया अध्यक्ष चुना गया है, कि यानी आर जो आर माधवन की यहाँ बात की गई है, तो आर माधवन है इनको जो चेयरमैन जो चुना गया है वो चुना गया हाल कंपनी का, HAL हाल का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हाल ही में गंगा नदी के पहले हाईटेक क्रूज अलकनंदा का जो उद्घाटन है ये किसने किया है, तो ये किया है योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हाल ही में दिल्ली मोवेलो साइक्लोथोन का जो उद्घाटन है ये किसने किया है, तो देखिए दिल्ली में जो ये दिल्ली मोवेलो साइक्लोथोन है इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है किरण रिजिजू ने किया है। किसने, किरण रिजिजू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत के कितने अन्य देश हैं जिनके साथ में सुनामी मॉक ड्रिल में भाग लिया है, किसने, भारत ने। तो कह रहा है कि भाई भारत ने अन्य और कितने देश हैं जिनके साथ में मिलकर सुनामी मॉक ड्रिल है इसमें भाग लिया। तो देखो भारत ने 23 देश हैं इनके साथ में मिलकर और जो ये सुनामी मॉक ड्रिल है इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हाल ही में किस बैंक, हमें नाम बताना है बैंक का कि भाई कौन सा बैंक है जिसने बैंकों की 10 से अधिक शाखाओं में आंतरिक लोकपाल की आवश्यकता का निर्णय लिया है, तो ये निर्णय लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं RBI की, तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। गवर्नर की बात करें तो उर्जित पटेल जो कि 24th नंबर के गवर्नर है, और इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि हाल ही में किस खेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, हाल ही भाई कौन सा खिलाड़ी है, हमें उस खिलाड़ी का हमें नाम बताना है जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है इससे सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है, तो जो ये एलिस्टर कुक हैं इन्होंने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की इन्होंने घोषणा कर दी है, तो ए हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हाल ही में किस पेमेंट कंपनी ने म्यूचुअल फंड डोमेन में प्रवेश लिया है, तो देखो म्यूचुअल फंड डोमेन की बात करें तो इसमें जो प्रवेश लिया है वो लिया है पेटीएम ने लिया है, और पेटीएम की बात करें तो ये क्या है, ये है पेमेंट कंपनी है एक जिससे इजीली हम ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हाल ही में ISSF है इसके विश्व चैंपियनशिप में जो ओम प्रकाश है इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल जीता है। अब यहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि ISSF है ये क्या है, तो देखिए ISSF की फुल फॉर्म नोट डाउन कीजिए, ये है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हाल ही में डिजिटल ग्राम का जो उद्घाटन है ये कहाँ पे हुआ है, तो देखो डिजिटल ग्राम की बात करें तो इसका उद्घाटन हुआ है अमेठी में, कहाँ पे हुआ है, अमेठी में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हाल ही में कॉफी स्टेक होल्डर है इसके लिए प्रौद्योगिकी पहले इसकी शुरुआत किसने की है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कॉफी स्टेक होल्डर है इसके लिए जो प्रौद्योगिकी जो शुरुआत की है वो किए सुरेश प्रभु ने, किसने किए, सुरेश प्रभु ने। अब हमें यहाँ ये पता होना चाहिए कि जो ये कॉफी बोर्ड है इसके चेयरमैन कौन है, तो देखो कॉफी बोर्ड की बात करें तो इसके चेयरमैन है SS बोजी गोडा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हाल ही में आरिफ अलवी है ये किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो आरिफ अलवी की बात करें तो इनको चुना गया है पाकिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया है, किसका, पाकिस्तान का, तो यहाँ पे ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हमें पाकिस्तान के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की कैपिटल की, तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, और पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति हैं वो चुन लिए गए आरिफ अलवा। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, तो पाकिस्तान के जो PM है प्रधानमंत्री है वो है इमरान खान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा गया है कि
कि हाल ही में भारतीय रेलवे में ई मोबिलिटी सम्मेलन है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो भारतीय रेलवे में ई मोबिलिटी सम्मेलन जो हुआ, इसमें इसका ई मोबिलिटी सम्मेलन है, इसमें ई मोबिलिटी की बात की गई है, तो ई मोबिलिटी का जो उद्घाटन किया है वो किया है मनोज सिन्हा ने। तो बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये ई मोबिलिटी जो सम्मेलन हुआ इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए ये सम्मेलन हुआ, इसमें क्या है, रेल मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग और जो रेल विद्युत अभियंता जिसे कहते हैं IREE, ठीक है, IREE, इसके माध्यम से इसे आयोजित किया गया है भारतीय रेलवे में ई मोबिलिटी सम्मेलन को, ठीक है, और इसका जो उद्घाटन किया वो किया मनोज सिन्हा ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया गया है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है वो लिया गया कि हाल ही में नाबार्ड है इसने किस राज्य के लिए 335 करोड़ रुपये का जो आवंटित करने की घोषणा की है। तो जो 335 करोड़ रुपये हैं ये कौन से राज्य के लिए आवंटित करने की घोषणा की है नाबार्ड ने, तो ये किए पश्चिम बंगाल के लिए, कि पश्चिम बंगाल के लिए जो नाबार्ड है वो 335 करोड़ रुपये आवंटित करेगा। अब यहाँ बात हुई है किसकी बात हुई है, नाबार्ड की बात हो गई। अब नाबार्ड की बात हो गई तो इससे रिलेटेड फैक्ट हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि नाबार्ड है इसका इसका हेडक्वार्टर कहां पे, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को। कब हुई, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई है और इसके अध्यक्ष है हर्ष कुमार बानवाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस है ये कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस की बात करें तो ये मनाया गया 5 सितंबर को, और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया गया है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है कि हाल ही में स्पेस एलिवेटर का जो परीक्षण हुआ है इसकी जो घोषणा की है वो कौन से देश ने की है, तो ये जो की है जापान ने की है। तो क्या बन गया कि भाई जापान है इसने स्पेस एलिवेटर का जो परीक्षण हुआ है इसकी घोषणा की है। अब हमें यहाँ ये पता होना चाहिए जापान है तो जापान की कैपिटल हमें पता होनी चाहिए जो कि है टोक्यो, और करेंसी है करेंसी क्या है जापान की, एन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि हाल ही में किस देश की नौसेना का जो जहाज है वो विशाखापट्टनम पहुंच गया है। तो देखिए विशाखापट्टनम जो नौसेना का जो जहाज पहुंचा है वो पहुंचा है बांग्लादेश का। तो क्या हो जाएगा कि भाई बांग्लादेश का जो बांग्लादेश की जो नौसेना है इसका जहाज है वो कहाँ पहुंच गया है, विशाखापट्टनम में पहुंच गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी न्यूज में ये रहा है। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हाल ही में कोर्ट ने कौन सी आईपीसी की धारा है जिसको समाप्त कर दिया है। तो देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है इसने आईपीसी की धारा 377 है इसको समाप्त कर दिया है। अब यहाँ ये बात कर लेते हैं कि जो ये आईपीसी की ये धारा है 377 ये लागू कब हुई थी, तो गाइस ये लागू हुई थी 1862 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया गया है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है कि हाल ही में जो 2+2 वार्ता है इसका पहला संस्करण है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में, और जो ये 2+2 वार्ता का जो पहला संस्करण है ये कौन कौन से देशों के बीच में हुआ, तो ये हुआ भारत और अमेरिका के बीच में। तो अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, और करेंसी क्या है, करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर है ये किसे चुना गया है। तो बीएसएनएल की यहाँ बात करें तो बीएसएनएल का जो हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया गया है वो चुना गया है मैरी कॉम को। अब यहाँ बात कर लेते हैं मैरी कॉम की, तो ये है बॉक्सिंग प्लेयर है, ठीक है, बॉक्सर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत सरकार की कौन सी योजना है जिसको ओपन एंडेड बनाया जाएगा। तो देखिए भारत ये भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसको ओपन एंडेड योजना बनाने का फैसला ले लिया है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये प्रधानमंत्री जनधन योजना है ये लॉन्च कब हुई, तो इसकी हम बात करें तो ये अगस्त 2014 में ये लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है
कि हाल ही में राष्ट्रपति में बुल्गारिया के साथ में, अब बुल्गारिया के साथ में जो भारत के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए 5 समझौतों पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हाल ही में जो ये SBI म्यूचुअल फंड है, इसका CEO किसे चुना गया है? तो देखिए, SBI म्यूचुअल फंड की यहाँ बात हो रही है, तो इसके CEO के रूप में चुन लिया गया है अश्विनी भाटिया को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि हाल ही में महात्मा गांधी पर आधारित नई तमिल नाम की जो एक बुक है, पुस्तक है, इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर ने, ठीक है। अब नेक्स्ट की देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमसे पूछा गया है कि हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास स्लाइनेक्स की यहाँ बात हो रही है, तो जो ये स्लाइनेक्स 2018 है, ये भारत और कौन से देश के बीच में शुरू हुआ है? तो ये स्लाइनेक्स 2018 जो सैन्य अभ्यास है, ये शुरू हुआ है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो ये पूछा गया है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ई प्रणाली का जो नया मोबाइल ऐप है, जिसका नाम है आपूर्ति, इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है भारत के जो रेल मंत्री है पीयूष गोयल जी, इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। तो अब जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि रेल मंत्रालय और जो रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र, जिसे कहते हैं CRIS, ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि जो रेल मंत्रालय की जो इनकी नई दिल्ली में लीवरेजिंग IT फॉर मोबिलिटी पर एक सेमिनार इन्होंने आयोजित किया है, और उस जो वो सेमिनार है, उस सेमिनार के जो चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? तो मुख्य अतिथि उसके थे पीयूष गोयल, और जो ये पीयूष गोयल जी है रेल मंत्री, इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है आपूर्ति को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जो SBI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके जो प्रबंधक निदेशक, जिसे कहते हैं MD, ठीक है, इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI की बात करें तो SBI के MD के रूप में नियुक्त कर लिया गया है अंशुला कांत को। किसे चुना गया है? अंशुला कांत को। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, SBI की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है रजनीश कुमार। अब यहाँ बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि हाल ही में कौन सा बैंक है जो सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? तो सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है वो है HDFC बैंक। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं HDFC बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है ऑप्शन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे? इसका भी है मुंबई में। और ICICI बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमसे पूछा गया है कि हाल ही में जो ये कोमकासा है, कोमकासा समझौते पर भारत ने किस देश के साथ में हस्ताक्षर किए हैं? तो जो कोमकासा है, इसके समझौते पर भारत ने अमेरिका के साथ में हस्ताक्षर किए हैं। बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? Washington DC। और अमेरिकी डॉलर है वो अमेरिका की मुद्रा है। अगर हमसे पूछ दिया जाए कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि भारत में हाल ही में भारत में वीर को ट्रस्ट संज्ञा है, ये किसने दी है? तो देखिए, वीर को जो ट्रस्ट संज्ञा का नाम दे दिया है, ये दिया है राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो लिया गया है वो लिया गया है कि हाल ही में कौन सा राज्य है जिसको विधान परिषद की मंजूरी मिली है? तो विधान परिषद की जो मंजूरी मिली है वो मिली है उड़ीसा को। किसको मिली है? उड़ीसा को। तो सी हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। ये सारे क्वेश्चंस वही थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स से। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जितना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो की PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही फेसबुक लिंक दे रखा है, जिसपे आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।